नमस्कार, मेरा नाम है महविश और आप लोग देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा के पूर्व सीएम नफे सिंह की हत्या हो गई है। सिद्धू मूसेवाले के पैटर्न पर ही नफे सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया है। वैसे ही कातिलों ने नफे सिंह की कार का पीछा किया, टारगेट का पिन पॉइंट करके गोलियां चलाई गईं। अब इस मामले में सुपारी किलिंग का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसे किसी गैंगस्टर ने अंजाम दिया है। हरियाणा में पूर्व विधायक और INLD के वरिष्ठ नेता नफे सिंह को जिस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया है, वो पैटर्न असल में गैंगस्टर वाला है। नफे सिंह हत्याकांड को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे 2 साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया गया था। वैसे ही गाड़ी का पीछा करना और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना, तो क्या इस हत्याकांड में भी किसी गैंगस्टर का हाथ है? ये सवाल अब काफ़ी उठ रहा है। क्या हरियाणा में इतवार को नफे सिंह की सरेआम हुई हत्या का कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से मिलता जुलता है? क्या नफे सिंह की हत्या का कोई सिरा सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से जाकर मिलता है? असल में हरियाणा के बहादुरगढ़ में गोलियों के निशान वाली ये फॉर्चुनर असल में 2 साल पहले 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा ज़िले में हुई सिद्धू मूसेवाले की हत्या की याद दिलाती है और इस तस्वीरों को ताज़ा कर देती है। उस वक्त सिद्धू मूसेवाले का मर्डर भी कुछ इस तरह हुआ था। शूटरों ने उसकी थार गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और उसी ताबड़तोड़ फायरिंग में सिद्धू मूसेवाले की मौत हो गई थी। बाद में खुलासा हुआ था कि सिद्धू की थार पर करीब 30 गोलियां मारी गई थी। रविवार को शाम 5:15 बजे बहादुरगढ़ के ब्राही रेलवे फाटक से पहले उस फॉर्चुनर पर ऐसे ही ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उस फॉर्चुनर गाड़ी पर बार के पूर्व विधायक नफे सिंह अपने ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों के साथ सवार थे। इस मामले में दर्ज की गई FIR के मुताबिक नफे सिंह के ड्राइवर और उसके भांजे राकेश उर्फ संजय को यह अंदाज़ा हो गया था कि एक सफ़ेद गाड़ी उनका पीछा कर रही है। ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन रेलवे फाटक बंद था इसलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी पीछे से आई एक सफ़ेद I-10 कार से 5 लड़के उतरे और बिल्कुल नज़दीक आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस खौफनाक वारदात के चश्मदीद और नफे सिंह के ड्राइवर की माने तो नफे सिंह सामने वाली सीट पर ही बैठे थे, जबकि उनके सुरक्षाकर्मी जय किशन और संजीत पीछे बैठे थे। ड्राइवर के मुताबिक हमलावरों ने ताबड़तोड़ करीब 50 राउंड फायर किए होंगे। नफे सिंह की हत्या को सिद्धू मूसेवाले की हत्या के पैटर्न से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सारा तौर तरीका मिलता जुलता है। हत्या के लिए शाम का वक्त, हत्या से पहले कार का पीछा, कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पिन पॉइंट करके टारगेट पर निशाना। हत्या की इस वारदात में अभी तक पुलिस को कोई सुराग तो नहीं मिला है और ना ही किसी गैंग की तरफ से कोई जिम्मेदारी ली गई, मगर हत्या के तरीके और पूरी मॉड्स ऑपरेटिव से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया है कि हो ना हो इस वारदात में किसी गैंग का हाथ तो ज़रूर है। पुलिस इस हत्याकांड के लिए सुपारी किलिंग की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कार सवार हमलावरों ने जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या कर दी, उससे नफे सिंह के घर वालों को लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है और नफे सिंह के साथ सियासी रंजिश रखने वाले ही इस वारदात के पीछे हो सकते हैं। नफे सिंह NLO के हरियाणा चीफ थे, उनकी फॉर्चुनर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। सबसे बड़ी बात यह है कि कातिल और उनकी कार एक CCTV में कैद है, उसमें उनकी कार साफ नज़र आ रही है। मौके वारदात पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े, एक SUV गाड़ी को घेरे भीड़ और कार के भीतर लहूलुहान इंसान, हमले के ठीक बाद यही मंजर था वहाँ का। पूरी कार पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं और मौके पर मौजूद चश्मदीदों की गवाही बता रही है कि वहाँ एक ज़बरदस्त गोलाबारी के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कार पर सवार 4 हमलावरों ने नफे सिंह की कार पर गोलियों की बारिश कर दी थी। 50 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी और हमले में कार की अगली सीट पर बैठे इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनको पीठ, गर्दन और पेट में गोलियां लगी। कई गोलियां कार का दरवाज़ा चीरकर आर पार हो गई हैं। मूसेवाले हत्याकांड में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उनकी थार गाड़ी दरवाज़ों को भी गोलियों ने चीर दिया था। SP ने इस मामले में दावा करते हुए कहा कि बहादुरगढ़ से 2 बार के विधायक नफे सिंह के बेटे जितेंद्र ने इसे सियासी रंजिश बताते हुए जो कहा, वो मामला बेहद ही संगीन है। झज्जर की पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन का कहना है कि हमलावरों के बारे में सुराग मिल चुके हैं और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। उधर हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि इस वारदात के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।